रिजवान भाई यार, तुम बोलते बड़ा अच्छा हो। तो कोई मोटिवेशनल स्टोरी या इंस्पिरेशन स्टोरी सुनाओ ना। तो सुनो, एक ग्रुप था फ्रेंड्स लोग का, और उन्होंने सरप्राइज विजिट प्लान किया अपने प्रोफेसर के यहाँ। काफ़ी साल हो चुके थे, गेट टुगेदर भी करना था। तो आखिरकार उन लोगों ने प्लानिंग करना शुरू किया कि हम अपने फेवरेट टीचर यानी फेवरेट प्रोफेसर के यहाँ एक सरप्राइज विजिट करेंगे। प्लानिंग के बाद, सब कुछ करने के बाद, आखिरकार उन्होंने विजिट किया अपने प्रोफेसर के घर। प्रोफेसर बड़े खुश हुए, काफ़ी हैप्पी मोमेंट था कि सारे बच्चे आए उनके काफ़ी सालों के बाद। और बच्चों के लिए भी काफ़ी हैप्पी मोमेंट था, क्योंकि कुछ कुछ लोग काफ़ी सालों के बाद मिले थे, बातचीत भी नहीं हुई थी। आखिरकार घर के अंदर आए, जब बैठे सब लोग आपस में बात होने लगी कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। हर किसी ने बोला कि हाँ, मेरी लाइफ तो बड़ी अच्छी चल रही है, जॉब अच्छा मेरा चल रहा है, मैं अच्छे पोजिशन पर हूँ, मैं अच्छा लीडर हूँ, कोई अच्छे लीडर पर था, गुड पोजिशन पर था, और कोई कोई बिजनेसमैन था जो बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहा था। शादीशुदा थे सारे के सारे लोग, बड़ी अच्छी जिंदगी चल रही थी सबके, सब लोग डिस्कशन अच्छे से कर रहे थे। लेकिन अचानक में डिस्कशन उनका पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी में बदलने लगा। लोग ऐसे ही बोलने लगे कि यार, जिंदगी बड़ी थोड़ी कठिन चल रही है, बीवी के साथ रिश्ते सही नहीं है मेरे यार, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा घर में हो गई है, काम धंधा यार सही नहीं चल रहा, लॉस पे लॉस होते जा रहा है, जॉब में मन नहीं लगता, बॉस परेशान बहुत ज्यादा कर देता है, नेगेटिविटी मतलब चल रही थी। प्रोफेसर ने नोट किया ये सारी चीजें कि इस पूरा सडनली नेगेटिव में बदल गया कन्वर्सेशन। प्रोफेसर ने क्या किया कि अपने वाइफ को थोड़ा कहा कि मतलब एक कॉफी ले आओ इन सब के लिए। वाइफ ने क्या किया, गई, बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही खूबसूरत वाइफ थी उनकी, गई, कॉफी बनाई, 15-20 मिनट में सारी कॉफी रेडी करके लेकर गई। अब यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली थी, क्योंकि वाइफ ने, प्रोफेसर की वाइफ ने, अलग अलग कॉफ़ी कप्स का इस्तेमाल किया, जो कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, कुछ कुछ शाइनी थे, क्रिस्टल के थे, और कुछ कुछ जो थे सिरामिक के थे, और कुछ कुछ एकदम प्लेन थे, चीप थे, कुछ कुछ लग्जूरियस थे, एक्सपेंसिव थे। अब एक ही ट्रे में सारे कप्स को लेकर आई, और बच्चे देख के खुश हो गए, बच्चों ने सारे कप्स लेकर कॉफ़ी पीना शुरू किया। अब प्रोफेसर ने एक चीज बोली, बच्चों क्या तुमने एक बात नोटिस की यहां पर कि सारे जो ऑर्डिनरी कप्स हैं, प्लेन कप्स हैं सारे के सारे, चीप वाले, वो सारे के सारे अभी भी ट्रे में पड़े हुए हैं। बच्चों ने नोटिस किया जब, तो एक्स्ट्रा कॉफी के कप लाई थी उनकी वाइफ, एक्स्ट्रा कॉफी के कप्स पड़े हुए थे ट्रे के अंदर। अब जब ट्रे के अंदर देखा तो एक्स्ट्रा कप्स लाने की वजह क्या थी, और तो प्रोफेसर को पूछा कि ये मतलब एक्स्ट्रा बच गए कप्स तो बोले कि नहीं, नोट करो एक चीज, आप लोगों ने, सारे बच्चों ने वही कप्स उठाए जो ज्यादा एक्सपेंसिव थे, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थे, और ऑर्डिनरी कप्स को छोड़ दिया तुमने बिल्कुल वैसे ही। बच्चे कंफ्यूज हो गए कि मतलब यार, हमारी जिंदगी में अभी हम लोग ये बातें कर रहे हैं, ये कप्स और कॉफी का क्या लेना देना। प्रोफेसर ने समझाया कि आपको चाहिए थी तो सिर्फ और सिर्फ कॉफी, लेकिन हर किसी ने कॉफी कप पे ज्यादा ध्यान दिया। ये कोई गलत बात नहीं है, हर किसी को अच्छा ही चाहिए होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई गलत नहीं है, लेकिन हमेशा याद रखो, ये कोई कॉफी का जो कप है, ये एडिशनल टेस्ट नहीं लेके आता आपकी कॉफी के अंदर। हमेशा याद रखो बच्चों कि लाइफ अगर कॉफी है तो हमारे जॉब, हमारे बिजनेस, हमारा लाइफस्टाइल, हमारे जो पोजीशंस है बड़ी बड़ी, ये सारे कॉफ़ी कप्स हैं। कॉफ़ी कप्स ज़रूरी होते हैं, लेकिन वो टूल्स हैं, उसको टूल्स की तरह इस्तेमाल करो, लेकिन कॉफ़ी के मज़े उठाना बिल्कुल भी मत भूलो। मॉरल ऑफ दिस स्टोरी आपको क्या लगी, मुझे कमेंट करके बताओ, मुझे भी मज़ा आएगा, एंगेज करेंगे हम एक दूसरे से। और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।